बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित मैट्रिक की परीक्षा आज 17 फरवरी से शुरू हो चुकी है, जो 24 फरवरी तक चलेगी। पहले दिन पहली पाली में गणित का परीक्षा है। इस परीक्षा में कुल 16,48,894 परीक्षार्थी भाग लेंगे। मैट्रिक परीक्षा को लेकर राज्य भर में 1525 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कदाचार मुक्त परीक्षा को लेकर पटना सिटी अनुमंडल प्रशासन द्वारा सभी परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। वहीं सभी परीक्षा केंद्रों पर भारी संख्या में पुरुष और महिला पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। कदाचार मुक्त परीक्षा हो, इसको लेकर बोर्ड द्वारा सभी केंद्रों पर वीडियो फोटोग्राफी भी कराई जा रही है। साथ ही इस बार छात्रों को जूता मोजा पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दी गई है। वहीं पुलिस भी परीक्षा केंद्र पर छात्रों की निगरानी रख रहे हैं और किसी तरह का चीट पुर्जा न ले जाने की सलाह दे रहे हैं। सोना रानी के साथ न्यूज 24 की रिपोर्ट। आज से हम लोग का मैट्रिक एग्जाम है, फर्स्ट डे हम लोग का मैथ है। थोड़ा सा हम लोग नर्वस फील कर रहे हैं क्योंकि फर्स्ट डे मैथ है। हम लोग प्रैक्टिस किए हैं, पता नहीं क्वेश्चन देखने को पड़ा। क्या नाम है? श्वेता कुमारी। आज किस चीज का एग्जाम पड़ा है आपका? मैथ का। ये बिहार बोर्ड का है। अच्छा, कैसी चल रही है आपकी तैयारी? अच्छा, चलिए। ये सेटिंग कितने से कितने बजे तक चलेगी?